हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ेगानों के तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है मेथी पराठा। मेथी पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मेथी के पत्ते, आटा, मैदा, बॉइल्ड आलू, पनीर, प्याज, धनिया पत्ता, ग्रेट किया हुआ अदरक, हरा मिर्च, रोस्टेड मसाला, आमचूर पाउडर, काला नमक, अजवाइन, नमक, चीनी और रिफाइंड ऑयल। मेथी के पराठे के लिए हमें सिर्फ पत्ते ही चाहिए, डंठल बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डंठल डालने से पराठा कड़वा बन जाता है। ऐसे हमें कुछ पत्ता तोड़ना है। मैंने यहाँ पे मेथी के पत्ते को अच्छा से धो लिया। इसको कटिंग भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि काटने से पराठा कड़वा बनने का चांसेस रहता है। पराठा में मेथी ऐसे डालने से पराठा बिल्कुल कड़वा नहीं बनता। अभी इसमें आटा गूंदना है। इसके लिए पहले 2 कप आटा, 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 से 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के थोड़ा मिक्स करके फिर 2 टेबलस्पून रोस्टेड मसाला डालना है। इसमें है धनिया, जीरा, सौंफ, सूखा मिर्च और दालचीनी। और इसमें डालना है 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक डाल के थोड़ा मिक्स करना है। फिर थोड़ा सा हरा मिर्च, धनिया पत्ता, 1 मीडियम साइज का बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 कप बॉईल करके ग्रेट किया हुआ आलू, 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। अभी इसको एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मेथी के पत्ते को डालना है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। इसमें ज्यादा पानी मत डालिएगा। अभी हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसका ऊपर लगा के 10 से 15 मिनट रखना है। 15 मिनट हो गया है। अभी इसको गोला बना के बेलना है। ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, मीडियम बेलना है। तवा गरम हो गया है। अभी इसको लो से मीडियम फ्लेम में सेकना है। फिर थोड़ा सा तेल डाल के हाई फ्लेम में फ्राई करना है। आप ऑयल ब्रश करके भी फ्राई कर सकते हैं। इस क्वांटिटी में 12 पीस पराठा बनके तैयार हो जाता है। बस रेडी हो गया है मेथी की पराठा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।